बॉलीवुड स्टार्स मैरिज। दोस्तों चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, कोई सा भी इवेंट हो या कोई भी त्योहार हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बेहद धूमधाम से ये सब मनाते हैं, जहां बड़े से बड़े गेस्ट को भी इनवाइट किया जाता है और मीडिया तो पहले से ही वहां मौजूद ही रहती है। मगर बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज ने शादी जैसे बड़े फंक्शन को इतनी शांति से निपटा दिया कि किसी को कानों कान इनकी खबर नहीं हुई। जहां मीडिया को इन सेलिब्रिटीज की हर बात का पता होता है, वहीं इन्होंने अपनी शादी जैसी बड़ी खबर को इतनी चालाकी से छिपाया कि मीडिया भी इनकी शादी का पता नहीं लगा पाई। और इन बॉलीवुड कलाकारों ने अचानक चुपचाप शादी करके पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ अपने फैंस को भी सरप्राइज कर दिया। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने चुपचाप सबसे छुपकर शादी कर ली और जब लोगों को इनकी शादी का पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों कौन से सेलिब्रिटी हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक, अमृता राव एंड आरजे अनमोल। दोस्तों विवाह फिल्म की हीरोइन को भला कौन नहीं जानता। इस फिल्म के बाद ये लाखों लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई थी और इनकी पॉपुलैरिटी डबल हो गई थी। इनकी ये फिल्म इतनी हिट हुई जिसे आज भी लोग देखना बेहद पसंद करते हैं। मगर दोस्तों विवाह फिल्म की हीरोइन अमृता राव ने अपना विवाह इतने गुपचुप तरीके से किया जिसकी खबर मीडिया तक को नहीं लगी। इतनी मशहूर हस्ती होने के बावजूद मीडिया ये पता नहीं लगा पाई कि अमृता आखिर किसे डेट कर रही है। और फिर अचानक खबर मिली कि अमृता राव ने अपने 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड आरजे अनमोल से शादी कर ली है। इनकी शादी में इनके घर परिवार के लोगों के अलावा कोई और शामिल नहीं था और जब ये बात अमृता के फैंस को पता चली थी तो सभी हैरान रह गए थे। और दोस्तों अमृता ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, इसलिए बाद में वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। नंबर दो, अक्षय एंड ट्विंकल खन्ना। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी इसी लिस्ट में शामिल है। इन्होंने भी ट्विंकल खन्ना से चोरी छुपे शादी कर ली थी। बताया जाता है कि अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से एक समारोह में पहले ही शादी कर चुके थे जहां उनके खास करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे और बाद में जाकर इन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने एक बेटा आरव और बेटी नितारा को जन्म दिया है। नंबर तीन, अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। दोस्तों अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का अफेयर कब शुरू हुआ और कब शादी पर आकर खत्म हुआ, इस बात की खबर किसी को भी नहीं हुई। इनके डेटिंग की खबरें तो उस वक्त काफी उड़ी थी लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अनुष्का और विराट में से किसी ने भी अपने इस रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की थी। और फिर दोनों ने अचानक इटली में चोरी छुपे शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया और जब इनकी शादी के फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए तब तो सोशल मीडिया पर मानो तहलका मच गया। दोनों ने 4 साल एक दूसरे को डेट किया और फिर 2017 में शादी कर ली और अब दोनों पेरेंट्स भी बन चुके हैं। इनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और ये जोड़ी सोशल मीडिया की मशहूर जोड़ियों में से एक है। नंबर चार, संजय दत्त एंड मान्यता। दोस्तों संजय दत्त हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। संजय दत्त और इनकी पत्नी मान्यता जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स हैं। संजय दत्त की 3 शादियां हो चुकी हैं जिसमें संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई थी। 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की मगर ये शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और 2005 में दोनों का तलाक हो गया। फिर इसके बाद संजय दत्त की मुलाकात मान्यता से हुई। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद संजय दत्त ने 2008 में चोरी छुपे मान्यता से शादी कर ली और शादी के काफी वक्त बाद ये खबर सबको दी थी। मान्यता संजय दत्त से 19 साल छोटी है। संजय दत्त और मान्यता के 2010 में इनके 2 ट्विंस बेबी हुए जिसमें लड़के का नाम सहरान और लड़की का नाम इकरा है। नंबर 5, सैफ अली खान एंड अमृता सिंह। दोस्तों अमृता सिंह अपने दौर में काफी पॉपुलर एक्ट्रेस रही है। सन 1991 में अमृता ने फिल्म एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी। एक तरफ सैफ अली खान दूसरे धर्म से थे और दूसरा सैफ अमृता से उम्र में कई साल छोटे भी थे। इस बात को लेकर मीडिया में ज्यादा खबरें बनी। इससे पहले ही अमृता ने सैफ से चोरी छुपे शादी कर ली थी। अमृता और सैफ एक दूसरे से प्यार करते थे और कब इन्होंने शादी का फैसला कर लिया इस बात की खबर इन्होंने किसी को नहीं लगने दी। शादी के बाद दोनों ने साथ में काफी वक्त गुजारा और इनके 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम खान हुए। मगर फिर कुछ समय बाद इनके रिश्ते में खटास पड़ने लगी और शादी के 13 साल बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। 2004 में इन्होंने तलाक लिया जिसके बाद सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करके घर बसा लिया और अमृता सिंह ने किसी से दोबारा शादी नहीं की। नंबर 6, श्रीदेवी एंड बोनी कपूर। दोस्तों श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी और बोनी कपूर के साथ उनका शादी से पहले काफी लंबे समय तक अफेयर चला था। यहाँ तक कि दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे। हालांकि दोस्तों उस वक्त बोनी कपूर शादीशुदा थे लेकिन बोनी कपूर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और किसी को बिना बताए श्रीदेवी से 1986 में एक मंदिर में शादी कर ली। दोस्तों बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। शादी के टाइम पर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी इसलिए जल्दबाजी में ये शादी मंदिर में की गई थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी की बात सुनकर हर कोई चौंक गया था क्योंकि लोगों को लगा था कि श्रीदेवी एक्टर मिथुन से शादी करेंगी। मिथुन और श्रीदेवी का रिलेशनशिप लंबा चला था मगर इन्होंने बोनी कपूर से अचानक शादी करके सभी को सरप्राइज कर दिया। नंबर 7, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। दोस्तों धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी ऑन स्क्रीन सभी को पसंद आती थी लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे क्योंकि धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे सनी और बॉबी भी थे। लेकिन धर्मेंद्र को हेमा से इतना गहरा प्यार हुआ कि उनसे शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और दूसरा धर्म भी अपना लिया था। और ये बात बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा न फैले इसके लिए धर्मेंद्र ने हेमा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और जब इस बात का खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया था। हालांकि जिसे हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी पसंद थी वो इस शादी से काफी खुश भी हुए थे। नंबर 8, जॉन इब्राहिम एंड प्रिया रुंचल। दोस्तों बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर जॉन इब्राहिम ने प्रिया रुंचल से शादी की है। दोनों की मुलाकात 2011 में हुई थी। लंबे समय तक डेट करने के बाद दोनों ने अमेरिका में चोरी छुपे शादी कर ली थी जहां इन्होंने इस बात की खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नहीं लगने दी थी। प्रिया रुंचल एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है और लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना पसंद करती है। दोस्तों इनकी शादी की खबर सुनकर भी
इनके फैन हैरान रह गए थे क्योंकि लोगों को लगा था कि जॉन बिपाशा बासु से शादी करेंगे, मगर जॉन ने बिपाशा से ब्रेकअप करके प्रिया से शादी कर ली थी। प्रिया और जॉन कैमरे के सामने साथ में बेहद कम नजर आते हैं, लेकिन जॉन बताते हैं कि प्रिया उन्हें उनके करियर के लिए बहुत सपोर्ट करती है और एक अच्छी जीवन साथी है। नंबर 9, प्रीति जिंटा और जीन गुडइनफ। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी प्रीति जिंटा ने अमेरिका के जीन गुडइनफ से शादी की है। प्रीति अपना जीवन साथी अमेरिका में पसंद करेंगी, ये बात कोई नहीं जानता था, और सबसे दूर जाकर इन्होंने अमेरिका में गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। जब इनकी शादी के बारे में सबको पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे, फिर 2016 में इन्होंने शादी करने का फैसला किया। प्रीति जिंटा और जीन गुडइनफ के बीच 10 साल का एज डिफरेंस है। प्रीति अपने पति जीन गुडइनफ के साथ अमेरिका में रहती है। शादी के बाद प्रीति ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और अब प्रीति जिंटा और गुडइनफ ट्विंस बेबी के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। प्रीति ने खुशखबरी अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी। इनके बच्चे के नाम गाई और जय है। नंबर 10, आदित्य चोपड़ा एंड रानी मुखर्जी। दोस्तों, रानी ने जिस शख्स से शादी की है वो पहले से शादीशुदा थे। बताया जाता है कि जब रानी मुखर्जी और आदित्य ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था तब आदित्य का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन डिवोर्स होने वाला था और उसके बाद रानी मुखर्जी आदित्य से मिली थी। रानी ने आदित्य को इसलिए पसंद किया था क्योंकि आदित्य ज्यादा सोशल नहीं थे। आज भी आदित्य लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। आदित्य की पहली पत्नी का नाम पायल खन्ना है। आदित्य और पायल का डिवोर्स 2009 में हुआ और 2014 में रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से चोरी छुपे शादी कर ली। जैसे मीडिया में ये खबर आई तो रानी मुखर्जी के सभी फैंस हैरान रह गए क्योंकि जब उन्होंने रानी मुखर्जी और आदित्य की जोड़ी देखी तो लोगों ने यही कहा कि रानी ने क्या सोचकर आदित्य को पसंद किया, क्योंकि आदित्य की पर्सनैलिटी रानी मुखर्जी से बिल्कुल मैच नहीं खाती। सबको यही लगा था कि रानी मुखर्जी बॉलीवुड के किसी एक्टर को ही पसंद करेंगी और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम काफी एक्टर्स के साथ जुड़ा भी था, लेकिन रानी मुखर्जी ने तो फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के साथ फेरे लेकर सबको चौंका दिया था। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सबसे छुपकर अचानक शादी की और बाद में जाकर सभी को सरप्राइज कर दिया था। दोस्तों, आप बॉलीवुड की किस जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।